पड़ी हुई है और एक कफन के लिए सास संस्कार के लिए। बेटा हमारे घर में छोटी कौड़ी नहीं है, कैसे दास संस्कार होगा माँ? माँ तुम तो जानते हो हमारे पास एक छोटी कौड़ी भी नहीं है माँ, और हम पिताजी का दास संस्कार कैसे करेंगे माँ? बेटा तुम्हारे घर में छोटी कौड़ी नहीं है, तेरी माँ ये जिंदा है रे पगला, जिंदा है। मैं अपना दामन फैलाकर भीख मांगूंगी दास संस्कार करने के लिए। ये गरीबों का मसीहा, गरीबों की फरियाद को सुनने वाले हमारे बाबू जी लोग, जो गरीबों में पले हो गए, हमारी माता बहन लोग, तो रोवा मत, तू अपनी माई के काम करे था तो का पार छिलवा ले बेटा। मैं गांव के तरफ जा रही हूँ अपनी माता बहन से। सिपाही हम तो खाती न मैं ठीक मांगूंगी बाबी। हे बहन भाई लोग, भैया बाबू लोग, यह भागिनी भीख मांग रही है अपने पति के कफन के लिए। हमारी घर मालिक सिपाही की धर्म पत्नी हमारे पास सुनिया जरूर कफन के लिए एक वस्त्र ले गई है बाप भैया, और कौड़ी
सलाम बोले चले भैया रुक जो एक जना का घाट बीते दे पागल बना के धा दे अरे बहनी लोग हो हमारा निया लोग अरे ले जाओ कि सरो हम चले जाइबो भैया लोग रुक जो एक जना का दस घाटर बिता ले अरे हमारी रजवा के उत्तर दक्षिण कहले बारसोर माई हाँ तैयार इनका आखिरी बिया अरे हम बहनी हो बहनी जुड़ बिया लगो हमारा नींद हो ये बिया ऐसा ना कि दूल्हा उत्तर दक्षिण के जाला रो मत एकदम रो मत भाव अरे आप होके समझा अपनी लड़का के समझा देखा थी वो कर रोला से आंख फूल के गुल्लर हो गए तू हो के बैठ के रोई है उठ के अपनी माई के समझा रहे नहीं तो घाम हो जाए लसिया फाट जाए पोस्टमार्टम में भेजे के परी अपनी माई के समझाओ माँ इस दुनिया में जो भी आया है माँ एक दिन एक दिन एक दिन इस दुनिया को छोड़ कर चला जाना है माँ उठो माँ रे बुए हट अगवा से सोलह वाला कैमरा खड़ा होते रो मत आगे बताओ का कर जा पैसा तो ले ले ली जना थक जा थी गया जी भैया अपनी बड़का दादा के कहाँ ले जाएगा बनारस तो नजदीक पर इनके लम्मा गाजीपुर ले जाए कोनो साधन कैले हवा भैया गैलन ये प्रधान जी के ट्रैक्टर खातिर तो कहत हो कि भैया जेसबी की संग भट्ठा और गई लौट के नहीं है वो ठेला वाला भेटाया लो हाँ कोई कसी पारस के नहीं है कि ये भैया 35 को आदमी हुआ एगो मुर्दा गाजीपुर जाए के कहत कि भाई 10 मिनट में पहुंचा देते लेकिन अगली रिंगिया डैमेज है वो ठेला तोरक नहीं है 35-36 आदमी ले जाए गाजीपुर ये बतिया कहली है कि करे साला ठेला से 35 आदमी या मुर्दा तबले मरला सतू ही पाए कह तक ये हित जब 250 ईटा लेके चल जाएगा तो 35 को ढेर बुझत होगा डीसीएम वाला का नंबर वाला कह तक भैया रोवा मत जैसे होके वैसे जाऊंगी पुरले लाश लेके अब हम गाजीपुर के घीच भैया हो हम तक कहते हो भैया बिल्जू कि अपनी बड़का दादा का गंगा जी में चल पड़ा का रुपयवा अपनी करेजवा में डलबू जल परवाह करवाओ तू के जी तो तू खोदलू आ गाँव पुर खोदल आ मर गए पर जल परवाह कर दे कि इनके चील कौआ खोदे सो दादा हमके मानत ना इनके हम फूक कैसे फूकबा हो भैया घाटावा पर रकम न लगी हो रजवा रकम ना लगी केहू से यही जे एक बोझा पूरे मांग के फूकब लेकिन हम फूकब ले चल लो भाई उल का दवाई है ले जा गंगा जी ने फेंकती है रे भैया अरे दादा मर गई ना तो दवाइयों मर गई ले पैसा ना तो इज्जत से ताखा पर दवाई के धोदा नैन को मरवा बीमार पड़ी तो दवाइयों के काम करी अरे पगली जब वो करी बीमारी में दवाइया काम कर दे तभी हवा में सीनो रहो काम करी रे अरे नैन कुमारवा वो जो करायल खरीदे के पड़ी रे कराल तो खरीदना पड़ेगा वहाँ पैसा ले ले हुए मेरे पास पैसा नहीं है तो रुक दो मन सरसों फेंक दे सुन लिया कि राज्यसभा के कोनो फोन कहले हम स्वागत कोइलौरी से भागो हाँ आ रहा राज्यसभा आवत
अरे हम भैया हमारी बड़की बहनी का लड़का हो भैया आ सुनी तक करे जमा भर के रोई रे रजामा हाँ थोड़ी बड़की बहन का लड़का जैसने तू है वैसने वो हो रजा सवाल आवा तो हो भैया लो हमारे बोल बहन का लड़का अरे ओके देखा दानिया के मुंह में पसे भागा लावत था अरे राजा सारा रे राजा सारा अम्मू तिरे उरे राजा अरे भाग रे हितवा भाग रोवला से पागल हो गई है अखिया भोर दे दोबारा कोई लौरी ना जा पाई भाई अगला इन बात तैयारी हो गई बताओ का कर जा ए भैया माटी उठावा दो हाँ चल आ सुन लो तहलो बार भोल लड़का हो जा है लड़का हेनिया वालो जब माटी उठाया लोग पांच जगह धो के भुइया सेज देती हलो ऐसा ना कि जौ में पुर जाए के मुश्किल से एक जगह रोक अब चार जगह गड़िया रोकवा दे तो पांच जगह ना हो जाता हो जाए तो उठा लो चले उठवा उठा लो भगवान रहला हो तो तोर भगवान नला आई मर गईला तो अब गोढ़ू शैतान हो तुम तने हम आप पहुंच के ढक दे दे कंधा हो भैया अरे नैन कुमारवा भैया आज नीक दिन ना हो घरवा में बोल दे पांच गो माटी का बर्तन फोर दिए सो अगर ना हुई थल मरिया पचार गो अलमुनिया का कसली हलो हवा से कूच दिए
कल खुशी हो सिपाही, कल खुशी हो तो कहीं कम हो। ये भागी ने कह दिया